वो मारता कम घसीटता ज्यादा है, वो बोलता कम करता ज्यादा है, वो सुपर कॉप है, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उसकी जेब में बड़े बड़े अपराधियों के कुकर्मों की लिस्ट है, वो खाकी वर्दी में अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है, अजय पाल शर्मा उस जांबाज आईपीएस का नाम है। जी, एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा भरोसा है। इसलिए जैसे ही योगी को कानपुर हिंसा की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद और तेज तर्रार ऑफिसर को कानपुर रवाना कर दिया और उस सुपर कॉप ने कानपुर की कमान संभालते ही ये साबित कर दिया कि उसे इतना खास ऑफिसर क्यों माना जाता है और सुपर कॉप क्यों कहा जाता है। उस सुपर कॉप का नाम है अजय पाल शर्मा, वही अजय पाल शर्मा जिन्हें यूपी का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जिनके नाम से ही बड़े बड़े अपराधियों की पतलून गीली हो जाती है, जिनके काम करने का तरीका इतना तेज है कि वो हर अपराधी से दो कदम आगे रहते हैं और इसी वजह से वो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड समेत उसके कई साथियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। दरअसल कानपुर हिंसा में शामिल मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी समेत उसके कई गुर्गे हिंसा के बाद से फरार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही अजय पाल शर्मा ने अपने हाथों में कमान संभाली, सब के सब दबोच लिए गए। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि हमेशा से ही अपनी कार्यशैली के चलते जाने जाते रहे हैं। वो जहां भी तैनात रहे हैं वहां कानून का राज रहा है। इससे पहले जब लखीमपुर में हिंसा हुई थी, तब भी योगी सरकार ने आईपीएस अजय पाल शर्मा पर ही भरोसा दिखाया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं अजय पाल शर्मा। योगी सरकार के सत्ता संभालते ही प्रदेश में एक के बाद एक अपराधियों के एनकाउंटर हुए थे। अपराधी डर के मारे प्रदेश से बाहर रहने लगे। उनमें इस खौफ का कारण और कोई नहीं बल्कि आईपीएस अजय पाल शर्मा ही है। उन्होंने 70 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, जिसके चलते उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। पिछले साल जब लखीमपुर खीरी का बवाल सिख बनाम ब्राह्मण विवाद का रूप लेता जा रहा था, तो ऐसे में हालात संभालने के लिए सरकार ने अजय पाल शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उस वक्त भी तेज तर्रार आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से लखीमपुर खीरी जाकर हालात संभालने का आदेश दिया था। तब अजय पाल शर्मा यूपी 112 में बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तैनात थे। अजय पाल शर्मा के बारे में इतना कुछ जानकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि क्यों उन्हें कानपुर के हालात को नियंत्रित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से कानपुर भेजा, क्योंकि अजय पाल शर्मा ने अलग अलग जिलों में सेवाएं देने के दौरान कुछ दिनों तक कानपुर में भी अपनी सेवाएं दी थी। इस वजह से उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे लेवल पर बन गए थे। हयात जफर हाशमी और उसके कई गुर्गों को लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार करवाने में अजय पाल शर्मा के उन सूत्रों ने बहुत मदद की। फिलहाल इन गिरफ्तारियों के बाद कानपुर में स्थिति काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सबसे पहले खबरों के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।